इसके बाद हम देख सकते हैं कि कुछ और भी इसमें एरियाज हैं, PCHS वगैरह की तरफ भी हम आएंगे, जैसे 30-35 लाख रुपए। और सिविल लाइंस 30 लाख, मतलब हाईएस्ट 30 लाख है, लोएस्ट जो है वो 10 लाख या उससे कम है। मिनिमम तो 10 लाख रखा है, क्योंकि आजकल छोटे मोटे बिजनेस भी आपको पता है कि उनका फूड बिजनेस तो अच्छा खासा चल, 6 लाख गवर्नमेंट कच्ची आबादी वो डाउन है, तो कच्ची आबादी से नीचे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लास्ट कैटेगरी 6 में वही फॉल करते हैं। महमूदाबाद वगैरह, माजिर कॉलोनी में कम है, कोरंगिया मेट्रोविल साइड एरिया जो बिजनेस एरियाज हैं वहाँ 18 लाख, लांडी इंडस्ट्रियल 22-23, लियाकताबाद लेकाबाद कोरंगी 23-13 लाख, कोलाची कोऑपरेटिव खुदादाद गार्डन वेस्ट में भी और ईस्ट दोनों 33 लाख हाइस्ट, डिग रोड वगैरह ड्रिक कंटोनमेंट 10 लाख। तो ये ओवरऑल रिव्यू देना था मुझे डीम इंडिक्टिव इनकम पे। अब हम इसके एंड पे आते हैं कि एंड में थ्रू आउट द पाकिस्तान इन्होंने दिया हुआ है, और ये 600 पेजेस का तकरीबन एसआर हुआ है। तो ये शेयर करना था, सो थैंक यू एंड आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ताकि जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो एडवांस टैक्स पेबल जो आप करते हैं टाइमली पर क्वार्टर पे, तो उसकी रिफ्लेक्शन अब यहाँ भी होगी। अगर पे कर रहे होंगे मोर देन तो रिडक्शन होगी, नहीं कर रहे होंगे तो इस हिसाब से आपको रिटेलर होते हुए डीम्ड इनकम यूं शो करनी होगी, और ये सारा प्रोसेस होगा। मतलब आप इससे अगर कम जाएंगे तो आपको फिर आगे जाके ऑडिटर्स में आप आ सकते हैं। तो बताने का और उनका भी ये देने का मकसद है कि ताकि आपको आगे हेल्प हो।